तो हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में किसने फेंकी है सबसे तेज गेंद? भारत के गेंदबाज नहीं बना पाए टॉप 5 में जगह। तो दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड का मुकाबला साउथ अफ्रीका से हो रहा था। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 26.5 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए थे। बता दें कि इस मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद फेंकी, जो इस विश्व कप की सबसे तेज गेंद थी। बता दें कि इस विश्व कप के टॉप 5 तेज गेंद फेंकने वालों में कोई भी भारतीय गेंदबाज शामिल नहीं है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के लॉकी फिकुरसन का नाम आता है, जिन्होंने 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पाकिस्तान के हारिस राउफ हैं, जिन्होंने 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। पांचवें नंबर पर गेराल्ड काटेज है, जिन्होंने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। वहीं छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क है, जिन्होंने इस विश्व कप में 147 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदें फेंकी हैं। बता दें कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के 13वें मुकाबले में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रनों से हरा दिया था। यह किसी भी फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की पहली जीत थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 284 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम 215 रन ही बना सकी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।